कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना आंटी, दावत करने का। अरे नहीं संजीव, क्या बात है, थैंक यू आपके आने का। हमने ना स्कूल में एक फंक्शन किया था, उसके अंदर एक टेबलो था, वो शुक्रिया आपकी आमद का। बस मामी वही करके दिखा दे एक बार। अरे स्टेप्स में भूल गए अब तो, उसकी याद दिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ कैसी हो? बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नजर से बचाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए कैसी गुजर रही है मम्मा? ये भाई ये अच्छा जी, तो यहाँ जो है ना अम्मी लगा रही है चावलों में दम और पुलाव में दम, मतलब पुलाव ना अम्मी ने रेडी किया, अब मैंने यखनी बना दी थी, बाकी अम्मी ने बनाया और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पुलाव बनाया था। तो मैंने कहा जी अम्मी आप देखें, क्योंकि चावलों का हिसाब वगैरह जो होता है ना, ये बड़ा जो है ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि ट्रिकी, तो इसीलिए मैंने अम्मी को कहा कि ये आप देख लें। बाकी ये कि ये जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था अपनी वीडियो में कि अम्मी ने इसकी रमज़ान की रेसिपी बनाई है, इंशाल्लाह ताला आपको इनकी दही बड़ों की, जो ये दाल के दही बड़े बनाए हैं अम्मी ने, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्द अम्मी के चैनल पर मिल जाएगी। तो जी बहुत मज़ेदार से दही बड़े बने हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ जो है ना ये देखें, यहाँ पर हम लोग सबको सर्व कर रहे थे, जैसे ही सब आ गए थे ना, इसके बाद सबको हम लोगों ने ये स्टार्टर के तौर पर सर्व कर दिए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बने थे दही बड़े। और भाई यानी जैसे जैसे रमज़ान आगे आ रहे हैं ना, ऐसा ऐसे ऐसे दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने का, चटपटी चटपटी सी ना, खुद ब खुद दिल चाहने लग जाता है। और यहाँ अब मैं फ्रिज में जितना भी मैंने सामान रख दिया था ना, वो सब निकालती जा रही हूँ और टेबल सेट कर रही हूँ। ये भी एक बड़ा मरहला होता है, टेबल सेट करना है, आपको वीडियो शूट करनी है, तो जी आप जो है ना ये सारे काम जल्दी जल्दी सारे मैं कर रही थी, क्योंकि सब मेहमान आ चुके थे और मैं ये चाह रही थी कि दस्तरखान जो है ना अब जल्दी लग जाए। और दस्तरखान का इंतज़ाम हम लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में किया था, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और माशाल्लाह सब आकर बैठे हुए हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं, टेबल पूरी सज चुकी है और माशाल्लाह कितना अच्छा दस्तरखान लग रहा है, मतलब एक कितना अच्छा सब चीज़ें लग रही हैं। और यहाँ देखिए लबे शीरी बनी हुई है, ग्रीन सैलेड, लेबनीज़ कबाब और साथ ही ये पुलाव, मज़ेदार सी मिठाई, और ये वाइट चिकन कढ़ाई और रशियन सैलेड, ग्रीन सैलेड, तो ये सब चीज़ें जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी लग बनी थी और बहुत अच्छे से जो है ना यहाँ सब अरेंजमेंट हो चुकी थी। अब सबको दस्तरखान लगाएंगे और ऊपर सब जाके खाना खाएंगे। तो जी बहुत अच्छा लगता है, आज मैंने अंबर और शाहजेब की दावत करी और माशाल्लाह वो इतने ज़्यादा खुशी खुशी आए सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता है सबके आने पर। तो जी हम लोगों ने यहाँ पर दस्तरखान लगाया है और यहाँ बैठ के जेंट्स खाना खा रहे हैं, इनके खाने के बाद लेडीज़ का भी खाना लगा, लेकिन उसकी वीडियो हम लोगों ने शूट नहीं की थी। और यहाँ सब मज़े से खाना खा रहे हैं और सबने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी खाने की। हुसैन के पास खड़े हो, हुसैन, चन्नू, दोनों बच्चे साथ खड़े हो, वो दोनों कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। मुँह में नहीं लो डोरी, सफ़न लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, अंबर और शाहजेब को गिफ्ट भी दे देते हैं, तो चले आ जाए। ये अच्छी बात है, चले ड्राइंग रूम में ही आ जाए। शुक्रिया। नहीं आ गए थे, पापा को लेने आया था।
ये अच्छा ये क्या अच्छा जी ये आपके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच अल्लाह पाक आपको बेहद डाइट चाहिए कुछ अगर एक साथ बनवाओ ना आ जाऊंगे एक साथ आ जाओ अरे आंटी भी तो बना ली थी मुझे आंटी की भी तो बना ली थी मैं लगा रहा हूं आइए पापा मन तो क्या है खाने पाने का इनाम बस सही अरे सुनो जैसे ना बनाना ना मैंने फोन से ओए आप भी दे दो थैंक यू सो मच भाभी आंटी में सबको कौन सा पसंद आया अब आप सलाम पढ़ लें आंटी यही वाला आपने वही वाला और आंटी ने यही वाले पे हाथ रखा मैंने कहा आंटी आपको कौन सा पसंद आ रहा है इनमें से ना मैंने कहा आंटी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है तो आंटी ने वही लिया जो मैंने आंटी के लिए चूज किया था मेरी अच्छी सही चीज थैंक यू शुक्रिया भाई थैंक यू सो मच बैठ जाइए जो है ना चुनिया में सबसे पहले ही अम्मी मेरी वीडियो बना रही है तो ये अम्मी आपके लिए दादी बनाओ तो मैं अभी लोगों के दे रही हूँ ये अम्मी आपके लिए अच्छा ये मुझे देखी ना मैंने कहा ये अम्मी को अच्छी लगेंगी ये पीने वाली चूड़ियां तो मैंने कहा अम्मी के लिए ले लेते हैं यू वेलकम ये लो अम्मी हमारा दिल चाह रहा था कि हम आपको भी चूड़ियां पहनाएं अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत तो हम आपके कैसा लग रहा है आपको और ये आपके लिए भी मैंने तो बोला आपका सच है ऐसा ने बताया था कि ऐसा सूर्य पकड़ने का ये चीजा थैंक यू ये जो अंबानी की नंदी है ये उनकी है पर्पल भी दे देती हूँ दुश्मनी निभाना कोई हमसे सीखे तो ये है असली कॉम्बो आप बनाएं लबेशीरी और साथ में आपके गेस्ट लेकर आए मिठाई नहीं सॉरी आइसक्रीम और ये देखिए वेनिला एंड मैंगो और इसको मिक्स करके खाइए वाह काफी है ना ज्यादा ना हो जाए हाँ काफी है बस सही है देखो जी ये है परफेक्ट कॉम्बो ये है तहसीन का कॉम्बो कैसा है तहसीन अच्छा है लाइबा को भेजो मैं उसके हाथ की भेज देती हूँ ये तो बहुत प्याला प्याला है बहुत प्यारा मुझे मेरा सर दबा दो तक रही है खड़े होके दबाओ खड़े होके सर 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 कर दोनों हाथों से दोनों हाथों से दोनों हाथों से दोनों हाथों से अल्लाह 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 एक और दफा सर दबाओ एक और दफा सर दबाओ
मम्मा बस मेरा बच्चा मम्मा बस छोटे छोटे हाथों पे प्यार कर लूं मम्मा बहुत सुकून मिला मम्मा बस बस। अच्छा जी, तो यहाँ सब अपने अपने घर जा चुके हैं। हुसैन ने मेरे सर दबाया, हसन ने मेरे पाँव दबाया। माशाल्लाह बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो जी आज की वीडियो ये थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।